सीबीआई जांच के घेरे में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। दरअसल भ्रष्टाचार के आरोप में प्रमोद नैनवाल पहले से ही घिरे थे, लेकिन अब उनके भाई ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। दरअसल रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और उनके भाई सतीश नैनवाल पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। बता दें कि बीते दिन बेताल घाट निवासी नंदिनी गोस्वामी पुत्री गोविंद गिरी जिला नैनीताल के द्वारा उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड शासन, राजस्व सचिव उत्तराखंड शासन और जिलाधिकारी नैनीताल को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और उसके भाई सतीश नैनवाल ने ग्राम सभा चयोनी तहसील कोशा कुटोली ब्लॉक बेताल घाट जिला नैनीताल में उसके दिव्यांग पिता की 20 नाली 10 मुट्ठी जमीन को जबरन तार बाड़ और सोलर फेसिंग के द्वारा घेर लिया है। साथ ही पीड़ित परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमोद नैनवाल ने उनकी निजी भूमि में बिना अनुमति के जेसीबी चलाकर उनकी जमीन में उपस्थित 15 से अधिक चीड़ और बाज के पेड़ भी काट लिए और उनकी जमीन में सेब का बगीचा लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रमोद नैनवाल से आग्रह कर अपने हिस्से की जमीन से अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया, लेकिन विधायक के भाई ने जमीन के मालिक गोविंद गिरी को ही जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं अंत में पीड़ित ने पत्र में लिखा कि भविष्य में अगर उनके परिवार को किसी भी प्रकार से जान माल की हानि होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल और उसका भाई सतीश नैनवाल होंगे।